पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा, चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक, पहुंचाएंगे हर खास खबर आपके मोबाइल तक। देखिए मेरे साथ firstbite.tv। नमस्कार, मैं रवि शर्मा हूं फर्स्ट बाइट। नमस्कार, मैं अनुमति रसोई रोजाना खबर से। आज हमारे बीच यूपी में चुनावी डुगडुगी बज चुकी है। चारों तरफ राजनीतिक दलों का हल्ला है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और जीते भी। समीकरण बैठाए जा रहे हैं, देखा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है और कौन नहीं। हालांकि हर दल ये दावे कर रहा है कि अंततः उसका प्रत्याशी ही जीतेगा। इन सारी बातों पर हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नए लोगों से बातचीत करने का, या फिर ये कहा जा सकता है कि उन लोगों से बातचीत करने का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से जानते हैं, या उनको एक राजनीतिक पुरोधा भी कहा जा सकता है। आज हमारे बीच में है रविंद्र भड़ान जी, दक्षिण विधानसभा सीट से ये प्रत्याशी रहे और चुनाव भी जीत गया बहुत अच्छे वोटों से। जिस तरीके से लगातार राजनीतिक समीकरण को लेकर मेरठ क्रांति भूमि पर लगातार मेरठ चुनाव को लेकर एक नए समीकरण की तलाश की जा रही थी, ऐसे में सीमा प्रधान के गुजर के आने के बाद तमाम समीकरण उस तरफ दिखाई दिए जहां पे भाजपा के कैंडिडेट के सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत आई। रविंद्र भड़ाना मेयर कैंडिडेट के रूप में भी काफी इनका नाम प्रचलित रहा, ऐसे में तमाम समीकरण पर बात करेंगे। और हमारे आज सीनियर जर्नलिस्ट रवि शर्मा जी के साथ आज हम रविंद्र भड़ाना जी का काउंटर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि समीकरण किस ओर बैठता है। समीकरण से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप अंतर पाते हैं जिस वक्त आप इलेक्शन लड़े थे और आज? देखिए, अंतर कुछ नहीं होता है। कमल का फूल तब भी था, कमल का फूल आज भी है। और हमने हमेशा बोला कि जिसके हाथ में कमल वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। तो तब भी बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं टिकट के लिए, और उस समय जब मैं विधायक बना 12 से 17 रहा, उस समय भी बहुत सारे साथियों ने प्रयास किए होंगे। ऐसा नहीं कि वो भी कोई कमतर होंगे, लेकिन पार्टी ने मुझे सिंबल दिया, चुनाव लड़ा, सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुरूप उस पर खरा उतरने का प्रयास भी किया। कार्यकर्ताओं ने, जनता ने मुझे भरपूर सहयोग दे करके मेरा समर्थन सहयोग किया और मुझे विधायक बनाया। बात हो रही है उस समय के, जैसे अब आज की डेट में देखा जाए तो धन बल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा है, उस समय और आज के परिवेश में क्या फर्क है? देखिए, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है कि आज धन की थोड़ी चमक ज्यादा बढ़ी है, चमक आई है। लेकिन धन के कारण किसी कार्यकर्ता की प्रतिभा प्रभावित हो जाए, ऐसा मैं आज भी नहीं समझता। इस मेयर चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में आज हम चुनाव सिलेक्शन प्रक्रिया को लेकर हम रविंद्र भड़ाना से सीधे रूबरू हो रहे हैं मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा जी के साथ। सबसे बड़ी बात क्या है कि सर, जिस तरीके से धनबल और बाहुबल की बात हो रही है कि कार्यकर्ता चमक के साथ कुछ पार्टियां आगे बढ़ी हैं, क्या भाजपा में परंपरा थी कि टिकट सिलेक्शन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी में कभी ऐसी नौबत जो इन अंदर कमरे में हो वो कमरे से बाहर निकल के भी आज सबके जुमा पे एक ही बात है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, परिवार पड़ा हुआ है, जब कुनबा बढ़ता है तो उसमें बाहर से भी कुछ सारे लोग आते हैं, आए भी हैं, और मेरी पार्टी में भी इस समय परिवार का बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आए हैं। विचारधारा से वो दूसरी जगह थे, उनकी विचारधारा भिन्न प्रकार की थी, वो हमारी विचारधारा में आकर के धीमे धीमे तो समाहित हो जाएंगे, लेकिन अभी वो सब चीज़ें तो कुछ ना कुछ उन लोगों के भीतर रहती हैं और होंगी भी, लेकिन मूल विचारधारा में जुड़ने के साथ साथ थोड़ा समय तो ऐसे लोगों को लगता ही है। और कुछ नहीं, लेकिन भाजपा एक समुंदर है, वो धीमे धीमे ऐसी सब चीज़ों को ठीक से सहज रूप से स्वीकार करके उन सबको ठीक भी कर लेगी। अगर कहीं कोई गलती है तो उसको सुधारने का भी प्रयत्न किया। तमाम दलों से बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन पर बहुत सारे आरोप लगे, उन लोगों ने भाजपा को आके ज्वाइन किया,
तो जाहिर बात है कि वो अपने साथ उन विसंगतियों को भी लेकर के आपने आए। आपने उन लोगों को अडॉप्ट किया, उन लोगों को स्वीकार किया। अब उनकी जो परंपराएं, जो अनियमितताएं हैं या जो उनकी विचारधाराएं हैं, उसको आप कितना अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजों में भिन्नता है। माने अटल जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी चलती थी तो वो एक समय अलग था। माने अडवाणी जी थे, अटल जी थे, जोशी जी थे और माने कल्याण सिंह जी थे, राजनाथ सिंह जी थे। लेकिन अटल जी की सरकार एक तरह से सहयोगी दलों के सहयोग से हमारी सरकार बनी चली और कितने लंबे समय चला पाए। और आज जो एक विचारधारा तो हमारी वही है, जो विचारधारा पहले थी विचारधारा आज भी वही है। पार्टी ने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, लेकिन लोगों को समाहित किया है और उनको इस विचारधारा के चलने के साथ साथ उनका सहयोग भी लिया है। और ऐसे में ये निश्चित है कि अब आज देख रहे हैं आप, देश के अनेक प्रांतों में भाजपा की सरकारें हैं। आज हम देश में भी हैं, आज हम उत्तर प्रदेश में भी हैं, आज हम कानून व्यवस्था को भी ठीक रख रहे हैं, आज हम सारी चीजों भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सारी चीजों पर। जहां तक विकास की बात है तो आप अगर मेरठ को ही लेंगे तो मेरठ के चारों तरफ ढेर बड़ा विकास हुआ है। सारे एक्सप्रेस वे यहीं से जुड़ करके कोई दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जुड़ा है। बड़ा एक्सप्रेस बड़ा जी, मैं आपसे एक ये बात काटने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अभी कहा कि जिन सिद्धांतों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी लोग चले, वो सरकार बनाई और कुछ ही दिनों में उनकी सरकार भी गिर गई। इसका मतलब ये है कि अब जो मौजूदा भाजपा है उसने उन सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण हुआ, कब हुआ? सारी परिस्थितियों को अनुकूल करने के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ और देश ने स्वीकार किया। आज देश ने माना उन्हीं सब चीजों को। भाजपा अपने सिद्धांत से कतई अलग नहीं दिखी है, ना अलग हटी है और ना ही उसके नैतिक मूल्यों में कोई गिरावट है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ कुनबा बढ़ा है और उस कुनबा बढ़ने के कारण जो हलचल है उससे कुछ लोगों को ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चलिए दिन पर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, मेयर चुनाव पर फोकस करते हैं, एक सवाल। और इसी के साथ दूसरा सवाल, सबसे बड़ी बात है कि इनडोर की बातें, स्क्रीनिंग कमेटी की बातें और गर्मा गर्मी की बातें आउटडोर में आई, सबसे पहला सवाल। और दूसरा, आप मानते हैं कि पार्षदों के टिकट सिलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी तो हुई है? देखिए, मैं उस सिलेक्शन प्रक्रिया पर कतई सवाल नहीं उठाना चाहता, क्योंकि प्रक्रिया भाजपा का अंग है और जो सिलेक्शन प्रक्रिया होती है उसमें सही का सिलेक्शन के साथ साथ जो समीकरण होते हैं उस समीकरणों को भी साधने का प्रयास किया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, सामाजिक समरसता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो उसमें सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास की जब जहां बात होती है तो वहां कुछ ऐसे समीकरण भी साधने पड़ते हैं जो नितांत आवश्यक है, वो भी पार्टी साधने का प्रयास करती है। रही बात सिलेक्शन कमेटी की, मैं तो उन सिलेक्शन कमेटी में हूं नहीं, ना मैं रहा हूं, बिल्कुल मैंने वो सब चीजें देखी भी नहीं है। एक सवाल और, उसके बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि शर्मा जी आपसे रूबरू होंगे। एक बात ये बताइए, जिस तरीके से एक साल से मेरठ की सीट को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित माना जा रहा था और उसी एक डेढ़ साल से हरिकांत अहलूवालिया जी का नाम ही एकमात्र चल रहा था, तो क्या पार्टी ने पहले से डिसाइड किया कि हमें पिछड़ा वर्ग की सीट को करना है और हरिकांत अहलूवालिया जी को लाना है? ये क्या प्री प्लान था? और नहीं तो आप भी गुर्जर के नेता थे, आप पूर्व विधायक थे, शहर को आपके पास देखने की एक बड़ी नजर थी, आपके पास विधायक रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि उस पिछड़े वर्ग की सीट को हरिकांत जी के लिए रिजर्व किया गया था? पार्टी डेढ़ साल से हुई और कहते हैं भाजपा में टिकट को लेकर ब्रेकिंग पार्टी करती है, लेकिन डेढ़ साल से जिस जो नाम पहले नंबर पर चल रहा था वही नाम आज मेयर का उम्मीदवार है भाजपा, इसको आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इसमें गलत भी क्या है? देखिए, पार्टी ने जो विचार किया वो आपने इसमें ही दो प्रश्न दागे हैं। एक प्रश्न तो आपका ये है कि क्या पार्टी ने ये रिजर्वेशन यहाँ का पहले से ही तय कर रखा था? ऐसा नहीं है, वो तो रिजर्वेशन के लिए तो वहाँ एक कमेटी भी बनी और वो कोर्ट में भी गया विषय, कोर्ट के बाद में जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था थी वो भी सब बनाने का काम किया, उसके बाद में सरकार ने रिजर्वेशन को लागू किया है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक प्रत्याशी का उसकी बात है, मैंने पहले भी मैं कह चुका हूँ आपसे कि
कि पार्टी हमारी सामाजिक समरसता के आधार पर ये विचार करती है कि कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे, कोई भी ऐसे लोग ना रहे जिनको हम अपनी पार्टी के अंदर उनका समावेश ना कर सकें, उनको संतुष्ट ना कर सकें। ऐसा नहीं है कि समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक चीजों को भारतीय जनता पार्टी आज साधने का प्रयत्न कर रही है, तभी तो उसके साथ में बनेगा सबका साथ सबका विश्वास और सबका जो भी सबके लिए है। उसमें कहीं ना कहीं ऐसा अछूता लग रहा था कि वास्तव में एक जाति जो यहाँ पे थोड़ा और शहरों के मुकाबले और जगह के मुकाबले वो ज्यादा है, तो उनको भी तो कुछ देना है। और लोग विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई कुछ बने, कोई कुछ बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पंजाबी समाज के बारे में भी विचार किया तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात यह है कि समाज में सबको साथ लेकर के चलना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी में अगर ये बात तय हुई या ये बात पहले से तय थी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर पहले से तय थी और सब कुछ तय किया तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं, ये बहुत अच्छाई की बात है कि पार्टी ने पहले से ही तय करके रखा था। क्या लगता है कि हरिकांत अहलूवालिया जी और जो तमाम जो मेयर के उम्मीदवार हैं अन्य पार्टियों के भी, सपा बसपा और आप आम आदमी पार्टी, कहां तक भाजपा अपने आप को टक्कर में मानती है और क्या समीकरण बनते हैं कि इस बार पिछले बार की जो दुखती रग है, पिछले बार की दुखदाई बातें हैं कि तमाम समीकरण के बाद भी, मजबूत चेहरा होने के बाद भी कांता कर्दम मेयर का चुनाव हार गई थी, इसको लेकर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं किसी दूसरे दलों के व्यक्तियों पर, उनके प्रत्याशियों पर उनकी तुलना में अपनी पार्टी के प्रत्याशी से नहीं करता। मेरी पार्टी का प्रत्याशी सर्वोत्तम है। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों के बारे में दूसरी पार्टी के लोग जाने, मुझे उनके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी का प्रत्याशी सर्वोत्तम है और निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है और मेरठ की जनता का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे, उनके परिश्रम के बल पे भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती आई है। ऐसा नहीं है कि हम अब की बारी ये जीतेंगे, पहले भी हरिकांत जी, मैं तो तब विधायक था, मैंने देखा और सब लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, वो सफलता का परचम था। बिल्कुल, आखिरी सवाल इंटरव्यू में चलते चलते, क्या लगता है गुजर मतदाता किधर जाएगा? देखिए, मैं जहां तक मतदाताओं की प्रश्न आपने जो किया है, ये तो मतदाताओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज जाति और ये सब चीजें पीछे छूट गई हैं। जहां मोदी जी चल रहे हो, जहां योगी जी चल रहे हो, जहां देश के विकास की बात हो, तो वहां जाति व्यवस्थाओं का कहीं कोई प्रश्न नहीं रह गया है। केवल और केवल जातियों का मामला तो शादी ब्याह से संबंधित होता है, और आपने देखा होगा आजकल जो इंटरकास्ट भी शादियां हो रही हैं या ट्रेड के आधार पर हो रही हैं कि भाई वो व्यक्ति डॉक्टर है तो डॉक्टर की शादी कर रहा है। अब इसमें जातियों का प्रश्न कहां से आ गया है? इसमें तो पूरा समाज एक साथ में जुड़ा है, पूरे मेरठ की जनता एक साथ में जुड़ी है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। बिल्कुल, ये थे विशेष इंटरव्यू में मेरठ के दिग्गज पत्रकार रवि शर्मा के साथ दिग्गज नेता रविंद्र भराना के इनकाउंटर की। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लगातार आपको ऐसे सक्सेस रिव्यू करवाते रहेंगे फर्स्ट बाइट रोजाना टीवी के जॉइंट वेंचर में। सीधे मिलिए दिग्गज से, मेयर चुनाव में मेयर की सारे समीकरण से हम सीधे रूबरू करवाएंगे आपसे। तमाम चीजों को देखने के लिए रोजाना खबर और फर्स्ट बाइट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यह इंटरव्यू आपको कैसा लगा यह भी हमें जरूर बताइए, और किस शख्सियत के साथ आप रूबरू होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, यह भी जरूर बताएं। नमस्कार।